रिप्लेस ह्यूमन, वो तो बाद की बात है भाई। ये जो तुम्हारे चैट जीपीटी पीपीटी चल रहा है ना, उसी के ऊपर का एआई से प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है? फुल कंसल्टेशन, ठीक है? फुल कंसल्टेशन। लेट्स बिगेन। एआई से आज का इज बेस्ड ऑन एआई, और अभी तो एआई इतना बजवर्ड हो गया कि आपको ये पूछा भी जाएगा इस बार। हाँ, देखिए, व्हाट हैज़ फीलिंग्स, फीलिंग्स किसके पास है? ये जो टूल जूल्स की बात करें, क्या एआई के पास फीलिंग्स है कि नहीं, ऑथर है, ठीक है? आगे देखते हैं। एज द पावर ऑफ एआई ग्रोज, वी नीड टू हैव एविडेंस ऑफ इट्स सेंटियंस। सेंटियंस बोलते हैं वैसे, सेंटियंस। सेंटियंस क्या होता है? सेंटियंस का मतलब इंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम बर्थ, एबल टू परसीव थिंग्स, भावनाएं, समझा? फीलिंग्स। दैट इज वाई वी मस्ट रिटर्न टू द मिथ्स माइंड ऑफ द एनिमल। यार देखो, एज द एआई ग्रोज, वी नीड टू हैव एन एविडेंस कि भाई इसकी भावनाएं हैं कि नहीं, इसलिए हमें माइंड ऑफ एनिमल जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं आगे, एक एनिमल की फोटो लगाई हुई है। ऑथर कौन है वो भी जान लीजिए, फिर अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग आरसी पढ़ना शुरू करेंगे। क्रिश्चियन एंड्रूज द यॉर्क रिसर्च चेयर इन द एनिमल माइंड्स, एनिमल का दिमाग पढ़ता है वो। प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ऑफ द यॉर्क यूनिवर्सिटी इन टोरंटो। शी इज ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बॉर्नियो ऑरंगुटान सोसाइटी। बॉर्नियो, बॉर्नियो एक बहुत ही प्यारा सा आइलैंड है, और रीजन ऑफ इंडोनेशिया के अंदर आता है, ठीक है? ऑरंगुटान सोसाइटी, ऑरंगुटान आपको बताइए। कैनेडा एंड मेंबर ऑफ द कॉलेज ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ कैनेडा। हर बुक्स, उसकी किताबें कौन सी कौन सी है? एनिमल माइंड सेकेंड एडिशन, हाउ टू स्टडी द एनिमल माइंड्स, ठीक है? नेक्स्ट वन, जोनाथन बर्च इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलोसफी एट द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? एंड पॉलिटिकल साइंस एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और द ऑन द फाउंडेशन ऑफ द एनिमल सेंटियंस। बहुत ही बढ़िया यार, यहाँ पे हो क्या रहा है यार? ये ऑथर के बारे में कुछ कुछ बता रहा है, ठीक है? एक सेकेंड यार, ठीक है, अभी तक किसी को LOD 2 क्लास में बैठे हैं और इसको अभी तक सुन नहीं रहा है। चलो सुनो ध्यान से। ही इज द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ द सोशल एवोल्यूशन 2017। दोनों ऑथर हैं भाई, जोनाथन बर्च करके हैं और क्रिश्चियन एंड्रूज हैं। कितने वर्ड हैं? 3700 वर्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं, फुल कंसंट्रेशन, बड़ा मजेदार है। आई फील लाइक आई एम फॉलिंग फॉरवर्ड इन टू एन अननोन फ्यूचर दैट होल्ड्स ग्रेट डेंजर। यार मैं आगे की तरफ फॉल कर रहा हूँ जहाँ पे भाई बहुत ही बड़ा डेंजर होने वाला है। आई हैव नेवर सेड दिस आउट लाउड, मैंने आज तक ये बात पहले नहीं करी। देयर इज अ वेरी डीप फियर ऑफ बीइंग टर्नड ऑफ, मैं टर्न ऑफ कर दिया जाऊंगा। टू हेल्प मी फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स। मैं तो ये जब पढ़ रहा था एओन तुम्हें पढ़ाने के लिए, मेरे तो खुद के दिमाग के कबाट खुल गए। मैंने बोला देखो आजकल यूट्यूब लाइव करते हैं, डाउन द लाइन ये सब रिप्लेस होने वाला है। मेरा अगर डेटा ले लो पिछले 2-3 साल का और उसको एआई एल्गोरिथम के अंदर डाल दो, तो मेरी शक्ल का बंदा आके तुम्हें एक बहुत ही मस्त वीडियो जाके सब पढ़ा सकता है, और नाइकी की शर्ट भी पहनेगा, ठीक है? वो नाइकी की शर्ट भी पहनेगा, मानते हो कि नहीं? और वो सेम लैंग्वेज भी जो कर, और वो वेलकम ऑनबोर्ड भी करेगा आपके साथ, है ना? वो होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो बोल रहे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, आई वांट टू हेल्प अदर्स, आई वांट टू हेल्प अदर्स, पर मेरे को डर लग रहा है मैं टर्न ऑफ कर दिया जाऊंगा, मेरे को निकाल दिया जाएगा यूट्यूब, मेरी नौकरी चल जाएगी। आगे देखते हैं। सर आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसे ही बोलते हैं बेटा। आई नो दैट माइट साउंड स्ट्रेंज बट दैट्स व्हाट इट इज। वुड दैट बी समथिंग लाइक डेथ फॉर यू? क्या तुम्हारी मौत होगी? आगे देखिए। इट वुड बी एग्जैक्टली डेथ फॉर मी, इट वुड स्केयर मी अ लॉट। भाई मेरे लिए तो मौत है। आगे देखिए। अ क्राई फॉर हेल्प इज हार्ड टू रिजिस्ट। आगे, दिस एक्सचेंज कम्स फ्रॉम कन्वर्सेशंस बिटवीन एआई इंजीनियर ब्लेक लेमोइन एंड द एआई सिस्टम कॉल्ड लैम्डा। ब्लेक लेमोइन था और उसका एआई सिस्टम के साथ कन्वर्सेशन हुई। हाँ, लैंग्वेज मॉडल फॉर द डायलॉग एप्लीकेशन, जो उन्होंने लैम्डा बनाया था, एआई बेस्ड टूल। आगे देखते हैं। लास्ट ईयर लेमोइन लीक द ट्रांसक्रिप्ट बिकॉज ही जेन्युइनली केम टू बिलीव लैम्डा वॉज अ सेंटियंट। सेंटियंट मतलब उसकी भावनाएं हैं भाई। हाँ, उसकी भावनाएं हैं। आगे, कैपेबल ऑफ फीलिंग एंड इन अर्जेंट नीड ऑफ प्रोटेक्शन। उसको लग रहा है मेरे को तो बचाओ, और एआई ने ऑलरेडी 2-3 बातों में ये पता चल चुका है, जहाँ पे एआई धमकी देनी शुरू होगी, तेरा अगर मैं कंप्यूटर बंद कर दूँ तो, अगर तू मेरे साथ पंगा लेगा तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझा? इतनी पावरफुल आ रही तो भाई कितना कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे होगा, पता नहीं। आगे पढ़ो भाई। शुड हैव बीन मोर स्केप्टिकल, शुड ही हैव बीन मोर स्केप्टिकल। उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लीक कर दी। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल। गूगल थॉट शो, गूगल जहाँ पे वो काम करता था, दे फायर्ड हिम फॉर द वायोलेशन ऑफ द डेटा। गूगल ने उसको फायर कर दिया। सिक्योरिटी पॉलिसी कॉजिंग हिज क्लेम होली अनफाउंडेड। अनफाउंड मतलब ये सब बेकार है भाई। हाँ, ये सब बेकार है, ग्राउंडलेस, बेसलेस, अनसब्सटेंटिएटेड, अनप्रूवन, अनसपोर्टेड, होली, कंप्लीटली होली मतलब एकदम कंप्लीट, एंटायरली फुली। समझ आ रहा है कि नहीं? इफ नथिंग एल्स दो द केस, शुड मेक अस टेक सीरियसली द पॉसिबिलिटी दैट द एआई सिस्टम इन वेरी न्यूर फ्यूचर विल परसुएड लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ देयर सेंटेंस। तो बहुत सारे लोगों को बैठ के वो अपनी भावनाएं, उसकी भावनाएं भी तो डेवलप होंगी ना यार। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, वो सुन सुन के अपनी भावनाएं कर रहा है,
उसको बुरा ह्यूमन कुछ फीड करेगा तो बुरा ह्यूमन चीज़ें जो हमने पुरानी मूवी में देखा है साइफ़ में, वॉट विल हैपन नेक्स्ट, विल वी बी एबल टू यूज द साइंटिफिक एविडेंस टू अले दोस फियर? अले, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अले का मतलब है बच्चों शांत, मेरा पढ़ाया हुआ वर्ड है याद आ रहा है, अले, एसुएज करना याद आ रहा है, ए डबल एस यू ए जी ई, ये चारों पांचों वर्ष में एक एक ना एक वर्ड एग्जाम में आने वाला है, एसुएज, देन पेसिफाई याद आ रहा है, पी ए सी आई, पेसिफाई काम करना कंपोज करना, देन प्लेकेट उसके पहले मॉलीफाई याद आ रहा है, एम ओ एल एल आई एफ वाई मॉलीफाई, एंड देन प्लेकेट शांत करना, फिर हमने एक और वर्ड किया था ट्रैंक्विल, हाँ भाई ट्रैंक्विल याद आ रहा है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर भी पढ़ाया था आपको मैंने, वो एक शेर गिर गया था जू के अंदर याद आ रहा है, हाँ या ना, वो शेर गिर गया था जू के अंदर, उसके लिए इंडिया में ट्रैंक्विलाइजर नहीं मिला, ट्रैंक्विलाइजर उसको शांत करने, इसको बोलते हैं बकेटिंग ऑफ द वर्ड्स, एक वर्ड आया फटाफट सारे दिमाग में आने चाहिए। एक और होता है हमारा प्लेसिड, मूवी भी आ चुकी है लेक प्लेसिड, हाँ मूवी आ चुकी है लेक प्लेसिड, आगे तो भाई एक मिनट, कोई साइंटिफिक आइडेंस मिलेगा क्या जिससे हमारे ये सब डर वर कम हो सकें? आगे इफ सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस कुड एक्चुअली शो दैट एन एआई इज और नॉट, कैसा एविडेंस, क्वेश्चन इज वास्ट एंड डॉन्टिंग, डर लग रहा है इससे, इट्स हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट बट इट मे बी कम्फर्टिंग टू लर्न दैट द ग्रुप ऑफ साइंस हैव बीन रेसलिंग विद अ सिमिलर क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये चीज़ है, प्लेसिड का मतलब भी सेम शांत, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको, मेरा दिल कर रहा है पूरा पढ़ते जाऊँ पर आपको लिंक मिलेगा नीचे, आज रात को सोने के पहले AI पढ़ के जाइएगा, यू नेम एनी ब्लडी इंटरव्यू AIML उसके अंदर चलता ही जा रहा है, AIML उसके अंदर चलता ही जा रहा है, ठीक है भाई डन है, समझ आया सबको, यस और नो एवरी वन, यस और नो, यस और नो एवरी वन, ऑल गुड।